नमस्कार। सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में आपको ऐसे कार्यक्रम मिलेंगे जो पहले से ही चैनल पे अपलोडेड है, लेकिन उनकी डिमांड लगातार आती है। जो नवीन दर्शक दर्शक हैं उनकी मांग रहती है, शायद वे उन कार्यक्रमों को देखे नहीं रहते हैं या चैनल पे ढूंढ नहीं पाते हैं। तो सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में ऐसे कार्यक्रम अपलोड किए जाएंगे जो पहले से ही अपलोड है लेकिन मोस्ट डिमांडिंग में रहने वाले हैं। तो उन कार्यक्रमों को इस समय अवधि के बीच में आपको हम दोबारा दिखाने का प्रयत्न करेंगे जिनकी मांग बहुत अधिक रहती है। तो आज का क्या विषय है, आज कौन सा वीडियो है, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। चलते हैं। आज का विषय हमने लिया है राहु महाराज से संबंधित। राहु जो कि एक छाया ग्रह है, पहले आप यह जान लीजिए, कोई वास्तविक पिंड नहीं है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब दोनों आमने सामने होते हैं तो कोई भी व्यक्ति जब प्रकाश के सामने होगा, जैसे पृथ्वी सूर्य के सामने है, प्रकाश के सामने होने पर एक तरफ परछाई बनती है, वही परछाई जो है राहु और केतु होते हैं। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 अंश की दूरी पर रहते हैं। तो राहु कोई भौतिक पिंड नहीं है, सिर्फ छाया ग्रह है, परछाई है, और छाया कभी पकड़ में नहीं आती है। छाया कभी आप पकड़ नहीं सकते, इसलिए राहु से जुड़ी हुई बीमारियां पकड़ में नहीं आती हैं। खासकर इनके बारे में शुरुआत में तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा। गैस वगैरह की प्रॉब्लम राहु के कारण होती है, इसलिए गैस की बीमारी पकड़ में नहीं आती है लोगों को कि किस लिए प्रॉब्लम हो रहा, क्यों हो रहा है। राहु जो है शुभ होता है, तो क्या लक्षण होगा, अशुभ क्या होता है लक्षण, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ऐसे ही जान जाएंगे कि आपका राहु शुभ है कि अशुभ है। अगर किसी व्यक्ति को अंधेरे में कुछ देर बैठने से डर लगता हो, मतलब अंधेरा व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देता हो, व्यक्ति के अंदर आत्मबल की कमी आ जाती हो, व्यक्ति को अनजाना डर लगता हो, अनजाना भय लगता हो, हर जगह सर्प होने का भय लगता हो, सपने में सर्प आता हो, सपने में मल मूत्र गंदी चीज़ें दिखती हों, उड़ना दिखता हो सपने में, या प्रैक्टिकल लाइफ में व्यक्ति के ऊपर कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते हों, काले जीव जंतु जो होते हैं, जहरीले विषैले जीव जंतु, अगर वो ज़्यादा दिखाई देते हों तो आपका राहु खराब है। अगर आपको अंधेरे से नहीं डर है, अनजाना भय नहीं है, और ऐसे बुरे सपने नहीं आ रहे हैं जो मैंने बताया, तो राहु आपका अच्छा चल रहा है। जीवन में ऐसा समय आता है कि जब राहु खराब होगा, हमेशा के लिए जीवन भर सेम समय नहीं रहता है, समय बदलता है। एक समय ऐसा आएगा कि ग्रह अच्छे हो जाएंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि वही अच्छा ग्रह खराब भी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आज हम बात करेंगे कि राहु ग्रह से क्या क्या चीज़ें विचार होती हैं। शनि तक हमने आपको बता दिया है, सूर्य से शनि तक। आज राहु के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे केतु के बारे में। अज्ञानता, अज्ञानता किसको कहते हैं, मतलब सही और गलत का फर्क ना कर पाए, अज्ञानता हावी हो जाए, मतलब सही और गलत को बिना जाने ही आप कोई निर्णय ले लें तो उसी को अज्ञानता बोलते हैं। अनजान बस आपसे अगर कोई भूल हो जाए तो राहु के द्वारा ही कराया जाता है। अंधकार का प्रतीक राहु है, इसीलिए देखिए राहु पाप का भी प्रतीक है, और अक्सर जो पाप कर्म होते हैं रात के अंधेरे में अंधकार में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि राहु पाप कर्म करवाता है और अंधकार का कारक है। दिन में पाप कर्मों से लोग डरते हैं, लेकिन रात में पाप कर्म ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दिन में वह कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है गलत काम करने में, जो कि रात के अंधेरे में चोरी डकैती बेईमानी जालसाजी। राहु से ही ग्रहण का भी विचार होगा, ग्रहण सूर्य चंद्रमा को लगाते ही हैं राहु केतु। कुंडली में राहु केतु सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठ जाते हैं तो उस कुंडली में ग्रहण लग जाता है। सूर्य चंद्रमा राहु के जितने करीब होंगे अंशों में, ग्रहण का दोष उतना ही प्रबल होगा। तो ग्रहण का कारक ग्रह है, कुंडली में ग्रहण दोष हो तो राहु अशुभ फल देगा। चांडाल भी है राहु, चांडाल वर्ग की सेवा करने से, यानी जो असक्षम व्यक्ति हैं, जो भीख मांगने वाले लोग हैं, जो
वेशभूषा से बहुत दीनहीन है। मतलब आप देखेंगे सड़कों पर अक्सर ऐसे लोग घूमते हुए आपको मिलेंगे जो कुछ विक्षेपित जैसे होते हैं, पागलपन जैसा हावी रहता है और बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बड़े बड़े और पागलों जैसी हरकत, चांडाल हैं वे। वह ऐसे लोगों को अगर आप नहला दें, साफ चिकना कर दें, कुछ खाने पीने को दे दें तो राहु प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए जिनका राहु खराब होता है ऐसे लोगों को भिखारियों की, चांडालों की सेवा या उनकी सहायता करने से राहु प्रसन्न हो जाता है। सर्प का प्रतीक है राहु। राहु जब कुंडली में बहुत विषाक्त हो जाता है, खराब हो जाता है, तो व्यक्ति को सर्प और बिच्छू से भय हो जाता है। सर्प है तो सर्प में जहर है, यानी राहु जहर का भी प्रतीक है, जहर का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा निद्रा का विचार राहु से होता है। नींद आपको कैसी आएगी, अच्छी आएगी, खराब, राहु निद्रा पर प्रभाव डालता है। कुंडली में काल सर्प योग या काल सर्प दोष भी राहु के द्वारा निर्मित होता है। जब सारे ग्रह राहु केतु के अंदर आ जाएं, अंशों के अनुसार एक तरफ हो जाएं, तो काल सर्प योग बन जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जीवन में अगर राजयोग है तो ऊंचाई करने के बाद भी पतन की तरफ, या काल सर्प वाले लोगों के विवाह में देरी होती है, संतान में देरी हो सकती है, विवाह ना होना, संतान ना होना, देरी होना, या फिर काल सर्प दोष वाले लोगों के ऊपर झूठे आक्षेप आरोप और रक्त खराबी होती है, ब्लड से संबंधित इश्यूज होते हैं। राहु जो है आसमिकता का कारक ग्रह है। कुछ भी जीवन में असामयिक हो, अचानक हो, आकस्मिकता का कारक है राहु। अचानक से उन्नति हो गई, राहु किसी न किसी ऐसे भाव में कुंडली में है जहाँ से अचानक आपको उठा देगा। अचानक पतन हो गया, दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, वो सब राहु देगा। अचानक से जो कुछ भी जीवन में अच्छा या बुरा होगा राहु उसको गवर्न करेगा। दुर्गमता यानी जटिल मार्ग पे आप चल रहे हैं, जीवन में खूब संघर्ष कर रहे हैं, यानी जीवन का जो पथ है, जीवन का जो मार्ग है, उस वह भी आपके लिए बड़ा दुर्गम हो गया है, तो राहु के कारण है। दुर्भिक्षता भी राहु देता है, व्यक्ति को दुर्भिक्ष बना देता, मतलब दाने दाने का मोहताज। भ्रष्टाचार का कारक ग्रह राहु है। भ्रष्टाचार के आरोप में लोग पकड़े जाते हैं। जब राहु ऐसे व्यक्ति का खराब हो जाएगा तो राहु भ्रष्टाचार आपसे करवाएगा और आपको पकड़वाएगा, जेल यात्रा भी करवाएगा। इसके अलावा राहु से घुसखोरी का विचार करते हैं। घुसखोरी और भ्रष्टाचार दोनों ब्रदर ब्रदर हैं, क्योंकि जब ये होगा तो ये अपने आप हो जाएगा। तो घुसखोरी का भी कारक राहु है। राहु जिनकी कुंडली में खराब है या राहु की दशा अंतरदशा चल रही है तो भ्रष्टाचार और घुसखोरी से बचना चाहिए, अन्यथा आप पकड़े जा सकते हैं। जो निंदित कार्य हैं, गलत काम जिन्हें समाज में माना जाता है, ऐसे कार्यों को राहु करवाता है। चोरी का भी कारक ग्रह है, चोरों का सरदार बना देगा आपको। आपका अगर राहु खराब है तो आप, जरूरी नहीं है कि आप चोर बने, राहु खराब है तो चोर बने ऐसा नहीं है, आपके साथ ही चोरी वाली घटना हो जाए ऐसा भी हो सकता है। राहु आपके घर में, आपके पॉकेट में, पैसे में सेधमारी करवा सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग हो सकता है। जो राहु का मैंने शुरू में आपको बताया था कि क्या क्या लक्षण आते हैं अगर राहु खराब, अगर वैसे लक्षण आपके साथ हैं तो आपके साथ में चोरी बेईमानी अवश्य होगी, बुरे सपने आ रहे हैं, राहु वाले सपने आ रहे हैं, तो आपके साथ में चोरी बेईमानी चीटिंग हो सकती है। और धर्म के प्रति निष्ठा ना होना, यानी नास्तिक होना भी राहु बना देता है। अक्सर राहु की दशा में लोग नास्तिक हो जाते हैं, थोड़ा धर्म में रुचि घट जाती है। तो राहु अगर आप धार्मिक रहेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ उपासना करेंगे, तो राहु आपका कमजोर रहेगा, यानी राहु बुरा प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि राहु आपको नास्तिक बनाता है, तब आपके ऊपर हावी हो पाता। राहु मतलब जानिए कलयुग, यानी राहु जिस पे हावी हो गया कलयुग उस पे हावी है। धर्म परिवर्तन है, जाति परिवर्तन है, वह राहु के द्वारा विचार किया जाएगा। जुआ हो गया, क्योंकि जुए में भी अचानक लाभ होता है, अचानक हानि, तो जुआ हो गया। शेयर मार्केट को भी राहु से विचार करेंगे। पंचम भाव बुध और राहु आदि से शेयर मार्केट का विचार होगा। राहु अच्छा होगा तो शेयर मार्केट में लाभ होगा, डेली जो पैसा लगाते हैं, निकालते हैं, उसमें लाभ होने की संभावना होगी। विश्वासघात हो सकता है, अगर आपके साथ कभी विश्वासघात हुआ है तो आप जानिए कि आपका राहु खराब था। ऐसा है कि अगर जीवन के शुरुआती दौर में राहु खराब है तो यकीन मानिए बाद में राहु अच्छा फल देगा। राहु का स्वभाव है, शुरू में बुरा करेगा तो
लास्ट में बुरा नहीं करेगा, अच्छा करेगा, शुरू में अच्छा करेगा तो लास्ट में बुरा, मतलब जीवन का अनुभव कभी ना कभी देगा। और बेहतर क्या होता है कि जब जीवन के शुरू में अनुभव मिल जाता है तो बाद में काम आता है। कभी कभी कुछ लोगों को राहु ने जीवन के शुरुआत में ही खूब पैसा दे दिया, अब वे उड़ाते चले गए पूरा पैसा ख़त्म, और बाद में राहु नहीं देता है, अनुभव सिखा के चला गया कि जब आए पैसा तो बचा के रखना चाहिए। कुछ लोगों को शुरू में ही इतनी कंगाली झिला देता है कि बाद में जब वो पैसा देता है तो लोग उसकी कदर करते हैं, क्योंकि पहले वे उसका दुख झेले होते हैं। तो राहु से सतर्क रहना है, राहु की दशा है, राहु की दशा में जो आ रहा है उसको सहेजिए। अगर उस पर आप उड़ाना शुरू करेंगे, खर्च करेंगे, तो राहु सब कुछ लेके चला जाएगा। छल हो राहु कारक है, झूठ झूठा आरोप लगे इसका भी कारक राहु रहा है। अगर आप पे झूठा आरोप लग रहा है तो राहु आपका कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। ग्रहण दोष है, चांडाल दोष है, काल सर्प है, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, राहु षड्यंत्र करवाएगा। निम्न वर्गीय लोगों से या स्त्री से संबंध, जैसे आपका जो लेवल है, स्टेटस है, उससे आप बहुत नीचे चले जाते हैं, मतलब आप किसी चीज़ के प्रति इतने सम्मोहित हो जाते हैं या स्त्री के प्रति कि निम्न वर्ग का ख्याल ही नहीं रखते कि आपकी कैटेगरी उसके लायक है कि नहीं है, तो राहु ऐसा भी करवा सकता है। विष का भी कारक है, पाखंड का कारक है, कलयुग में राहु पाखंड का कारक है, खासकर साधु संतों पर हावी हो जाता है, लोग धर्म का मार्ग छोड़ के अन्य मार्ग पे चले जाते हैं। जैसे भागवत में कहा गया है क्या कि खूब हल्ला दंगा हो रहा है, एक बाबा जी का आश्रम है वहाँ पे खूब हल्ला दंगा हो रहा है, लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो नारद जी ने पूछा भैया ये किसका आश्रम है, तो जवाब दिए मौनी बाबा का है, यानी जो मौन व्रत करते हैं, नाम है मौनी बाबा, और खूब जोर जोर से गुरुदेव अपना नाम चिल्लवा रहे हैं, अपना जयकारा लगवा रहे हैं। इसी प्रकार से एक आश्रम में पहुँचते हैं नारद जी, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े सब बच्चे खेल रहे हैं, और नारद जी पूछते हैं ये बच्चे किसके हैं, तो जवाब आता है इस आश्रम के जो गुरु जी हैं उनके बच्चे हैं। नाम पूछा गया उनका, तो उनका नाम है सन्यासी बाबा, नाम है सन्यासी, ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो कलयुग में राहु हावी हो जाता है, इसलिए सीधे साधे रहिए, अपना काम करिए, अपने काम का जो भी पारिश्रमिक है वो लीजिए, बहुत ज़्यादा आडंबर रचने की ज़रूरत नहीं है। हैं गृहस्थ आश्रम में लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखा लेते हैं लोग, लंबे लंबे जटाजूट रखा लेते हैं, और ऐसा भारी चंदन लगाएंगे कि जैसे वे स्वयं शनि महाराज उतर आए हों, और रहेंगे गृहस्थ जीवन में, बच्चे हैं, पत्नी हैं, ठीक है, एक हर चीज़ काम का एक कोड होता है, ड्रेस कोड होता है और अपीरियंस कोड होता है, उतना ही रखिए, ना कि बहुत ज़्यादा बढ़ा के पाखंड में चले जाइए। अगर आपको मतलब किसी व्यक्ति भौतिक संसार में रहता हुआ अत्यधिक अपने आप को आडंबर से युक्त किया हुआ है, तो समझ जाइए वो राहु के प्रभाव में है। नशा की आदत भी राहु महाराज देते हैं, व्यक्ति नशा की तरफ आकर्षित हो सकता है। द्वितीय और बारहवें और आठवें भाव में राहु या केतु के होने से जीवन में व्यक्ति नशा की तरफ एकाध बार जरूर आकर्षित होता है। आत्मघात जो होते हैं, मतलब सुसाइड वगैरह भी राहु प्रेरित करता है। चर्म रोग देता है राहु, वैधत्व भी देता है, स्त्री की कुंडली में विधवा योग भी बना देता है। अगर चंद्रमा के साथ हो गया, ग्रहण दोष हो गया, सप्तमेश के साथ है, तो राहु वैधत्व भी देने लगता है। रहस्य वाली जितनी चीज़ें हैं वह सब राहु देता है। अगर आपको किसी व्यक्ति का स्वभाव समझ में नहीं आता कि यह व्यक्ति किस टाइप का है, उसका स्वभाव नहीं समझ पाते हैं, कब प्रसन्न होगा, कब नाराज होगा, कुछ समझ में नहीं आता, यानी ऐसे व्यक्ति पे राहु हावी है। राहु से प्रभावित व्यक्ति जैसा दिखने में होता है भीतर से वैसा नहीं होता, और जैसा भीतर से होगा वैसा बाहर से आप उसे अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। जासूस होता है राहु, जासूसी का काम करवाता है। ऊपरी बाधा और तंत्र मंत्र, भूत और वहम की जितनी भी चीज़ें हैं राहु से ही प्रेरित होती हैं। अगर लग्नेश आपका, चंद्रमा आपका, सूर्य आपका बैठा हुआ है राहु या केतु के साथ, तो ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र और नज़र टोने टोटके का ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव बड़े जल्दी होता है। अगर किसी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, दो ग्रह कौन कौन से, सूर्य और चंद्र, सूर्य क्या है, आत्मा है, चंद्रमा क्या है, मन, अगर ये दोनों मजबूत हों
तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा तंत्र मंत्र किया कराया या वहम का प्रभाव कम होता है। लेकिन अगर किसी कुंडली में सूर्य चंद्रमा कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। छोटा सा अगर कोई व्यक्ति प्रयोग कर देता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक प्रयोग, तो उस व्यक्ति को अवश्य ही लग जाता है। तो ऊपरी बाधा तंत्र मंत्र और महम डबल माइंडेड करता है राहु, मतलब निर्णय नहीं लेने देता, ये सब राहु के अधीन में आ जाता है। जिनका राहु खराब होता है वे राहु के मंत्र का जाप करें, राहु की वस्तुओं का दान करें। जैसे लोहे का सामान राहु के वस्तु में आ जाएगा, काला उड़द आ जाएगा राहु के दान में, काले कपड़े आ जाएंगे। इस प्रकार से राहु की वस्तुओं का दान करना चाहिए। अपने पहने हुए कपड़े रिटायर करने के पहले, मतलब फट जाएं उसके पहले, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इससे भी राहु अच्छा प्रभाव देने लगता है। राहु जो है अगर आपकी कुंडली में 3 या 6 नंबर की गिनती पर लिखा हो तो उसे स्वराशि जैसा मानना चाहिए। राहु की राशि कौन सी है, किस राशि में नीच होता है, किस राशि में उच्च होता है, इस पे काफ़ी मतभेद हैं। फिलहाल मैं अपने रिसर्च के आधार पे 3 और 6 नंबर में स्वराशि मान सकते हैं, 8 नंबर की गिनती में नीच मान सकते हैं, 9 पर भी नीच का ही प्रभाव देता है, 4 नंबर की गिनती पर है तो मूल त्रिकोण में है, मूल त्रिकोण मतलब अच्छा है, 2 नंबर की गिनती पर है तो उच्च का प्रभाव रख सकता है। अलग अलग वैसे राहु का प्रभाव यह है कि राहु जिस राशि में बैठा है, जिस गिनती में है, अगर उस राशि का स्वामी कमजोर हो जाएगा तो राहु कमजोर रिजल्ट देगा, खराब रिजल्ट देगा। उस राशि का स्वामी बलवान होगा तो राहु बलवान माना जाएगा। उम्मीद है आपको कार्यक्रम समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप डायरी पे उतार लीजिए। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री।